वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में MCQs आने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर मिल जाएगी। तो बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है ओस और इस सबक को लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। याद रहेगा ओस सबक को किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। सवाल नंबर 1, ख्वाजा हसन निज़ामी कब पैदा हुए? 1876 में, 1878 में, 1874 में या फिर 1873 में? तो ख्वाजा हसन निज़ामी 1876 में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? 1954 में, 1956 में, 1952 में या 1955 में? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 1955 में हुआ था। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए थे? मगध में, अवध में, दिल्ली में या फिर मेरठ में? तो ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी का बचपन कैसे गुजरा था? तंग दस्ती यानी कि गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में या फिर खुशी खुशी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का बचपन गरीबी यानी कि तंग दस्ती में बीता था। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी किसके मुरीद यानी कि किसके फॉलोअर्स थे? किसको फॉलो करते थे, किसे मानते थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, शाहगंज को, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्ला अना को, ख्वाजा साबिर पिया को? तो ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मानते थे। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी का मर्तबा किस जबान में बुलंद था यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी किस जबान को बहुत अच्छे से जानते थे और उस जबान की वजह से मकबूल हुए थे? उर्दू जबान व अदब में, फारसी जबान व अदब में, अंग्रेज़ी जबान व अदब में या पंजाबी जबान व अदब में? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का मर्तबा उर्दू जबान व अदब में बहुत बुलंद था, बहुत अच्छे से जानते थे। उर्दू जबान के अंदर इन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई थी अपने मज़मून वगैरह लिखने की वजह से, इंशाइयाँ लिखने की वजह से। तो सवाल नंबर 7 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की मशहूर किताबों के नाम क्या है? कौमी आवाज़ और कन्हैया का बालपन, गदर दिल्ली के अफसाने और सिपारा दिल, आरजू और नया कानून, मियाँ खोखो और बंदर पाठ। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की मशहूर किताबों के नाम हैं गदर दिल्ली के अफसाने और सिपारा दिल। अगला सवाल है, उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? स्टार्टिंग में बता दिया था, ख्वाजा हसन निज़ामी है। अगला सवाल, ओस ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़रिए लिखा गया एक देश है, सवाने हैं, मजमून है, मरसिया है या फिर इंशाइया है? तो ओस सबक ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़रिए लिखा गया एक इंशाइया है। ख्वाजा हसन निज़ामी को कौन सा मौसम पसंद था? बरसात का, सर्दी का, गर्मी का या फिर बहार का? तो ख्वाजा हसन निज़ामी को बरसात का मौसम पसंद था। अगला सवाल है, घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें कैसी लगती हैं? ओले जैसी, मोती जैसी, चुगनू जैसी या फिर हीरे जैसी? तो घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी लगती हैं। सुबह बेदार होकर चहलकदमी करने वाले ओस के कतरों में खुदा का देश देखते हैं, जहूर, ताकत, झलक या फिर नूर? तो सुबह बेदार होकर चहलकदमी करने वाले ओस के कतरों में खुदा के जहूर को देखते हैं। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने बाग में चहलकदमी करते वक्त जूही के पौधे के पास किसको देखा था? एक शख्स को, दो बच्चों को, चिड़िया को या फिर मोर को? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने बाग में चहलकदमी करते वक्त जूही के पौधे के पास एक शख्स को देखा था। अगला सवाल है, जूही के पौधे पर पड़ी ओस कैसी नज़र आ रही थी? मोती जैसी, बूंद जैसी, हीरे जैसी या दिलकश? तो जूही के पौधे पर पड़ी हुई ओस की बूंद बहुत दिलकश नज़र आ रही थी, बहुत आकर्षक दिख रही थी। अगला सवाल है, ओस की उम्र कितनी होती है? बड़ी,
बहुत कम, छोटे या फिर दरमियाने। तो ओस की उम्र बहुत कम होती है। ओस कब गायब हो जाती है? सूरज निकलने पर, चांद निकलने पर, बारिश आने पर या फिर हवा चलने पर। तो ओस सूरज निकलते ही गायब हो जाती है। अगला सवाल है, ओस कैसी होती है? सुलह पसंद, नाजुक, ठंडी या फिर भारी। तो ओस सुलह पसंद होती है। ओस किसके आने आते ही जान देती है? जान दे देती है लोगों के आने से, सूरज के निकलते ही, चांद के निकलने पर या फिर हवा चलने पर। तो ओस सूरज के निकलते ही जान दे देती है, गायब हो जाती है। अगला सवाल है, ओस को देखकर किसके लिए दिल में और भी ज़्यादा अदब और एहतराम पैदा होता है? मौसम के लिए, खुदा के लिए, चांद के लिए या फिर हवा के लिए। तो ओस को देखकर खुदा के लिए दिल में और भी ज़्यादा अदब और एहतराम पैदा हो जाता है। अगला सवाल है, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? हवा, पानी, ओस या फिर धूप। तो खुदा की मखलूक ओस से तरोताज़ा और निहाल होती है। अगला सवाल है, ओस के बारे में कौन सी ज़र्बुल मिस्र मशहूर है? ओस आने की खबर, चैन की खबर, ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती, देर आए दुरुस्त आए, ओस आई बाहर लाई। तो ओस के बारे में ये कहावत मशहूर है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। अगला सवाल है, ख्वास्तकार के मायने क्या है? तलबकार, मददगार, निगाहबान या तैयार होना। तो ख्वास्तकार के मायने हैं तलबकार के। बेदार होने के मायने क्या हैं? जागना, उठना, आना या फिर जाना। बेदार होने के मायने हैं जागना। मखलूक के मायने क्या हैं? पैदा की हुई चीज़ें और इंसान, इंसान का आराम, चीज़ों का आराम या फिर सुकून। तो मखलूक के मायने हैं पैदा की हुई चीज़ें और इंसान। अगला सवाल है, बाराने रहमत के मायने क्या हैं? रहमत की बारिश, ज़ोर की बारिश, बाढ़ या हल्की बारिश। तो बाराने रहमत के मायने हैं रहमत की बारिश। यक्सा के मायने हैं अलग अलग के, एक जैसा, जुदा या तालमेल। तो यक्सा के मायने हैं एक जैसा। अगला सवाल है, नमूदार होना के मायने क्या हैं? घूमना, जाहिर होना, अंदर या फिर डूबा हुआ। नमूदार होना के मायने हैं जाहिर होना। अगला सवाल है, शजर किसे कहते हैं? पौधे को, पेड़ को, टहनी को या फिर शाम को। तो शजर पेड़ को कहते हैं, पौधे को कहते हैं। हिजर किसे कहते हैं? रेत को, पत्थर को, ओस को या फिर प्यास को। तो हिजर कहते हैं पत्थर को। महशर किसे कहते हैं? दुनिया को, कयामत को, ओस को या फिर बाढ़ को। तो महशर कयामत को कहते हैं। अगला सवाल है, जज्बे के मायने क्या हैं? जज्बे की जमा बतानी है, यहाँ पर मायने नहीं बताने हैं। तो जज्बे की जमा क्या होगी? जज्बात। खबर की जमा क्या होगी? अखबार। याद रहेगा, जज्बे की जमा जज्बात, खबर की जमा अखबार। ठीक।